स्टॉक के बारे में बात करेंगे, उसका नाम है DHFL, दीवाना हाउसिंग फाइनेंस। तो ये तो हमने एक्चुअली एक पहले भी वीडियो बनाया था जिसमें इसका जिक्र किया था, लेकिन पूरी डिटेल्स में नहीं गए थे हम। और देखिए, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि अभी जो ये हमने एक वीडियो बनाया था, माता बहना और गृहिणी बनेंगे करोड़पति, तो उसमें मैंने एक ये भी स्टॉक रखा था, जबकि उस समय मार्केट अगेंस्ट था। मार्केट दीवान हाउसिंग के शेयर्स बेच बेच के निकला जा रहा था, तो मैंने ऐसे माहौल पे बनाया था और मैंने इसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी दी थी कि कैसे स्टॉक में कितने अच्छे फंडामेंटल्स हैं, आने वाले समय में क्या हो सकता है। तो मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये देखिए, DHFL, यहाँ पे जितने सारे स्टॉक्स की जो लिस्ट है उनमें DHFL यहाँ पे है। तो मैंने इसको भी लिस्ट में रखा था लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से कि आने वाले समय में ये फिर भी अच्छा रिटर्न दे के जाएगा। तो चलिए हम आगे बात करते हैं अपने DHFL के बारे में, कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी है और 4,535 करोड़ की स्मॉल कैप कंपनी है। पी इसका कितना लो पे है? 3.11 पे है। इंडस्ट्री पी है 21.67 की, और डिविडेंड यील्ड 1.68 का, और डेट इक्विटी 4.40। देखिए, फाइनेंस कंपनीज में क्या होता है, जो ये लोग पैसा उठाते हैं, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए एक मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मैंने आपसे 7% पे कोई पैसा लिया, 60% पे, और आगे मैंने 14% पे लोन पे किसी को दिया, तो मेरे 7% का मार्जिन अमाउंट जो है मुझे कमाई हो गई है मेरी। तो ये लोग ऐसा करते हैं, इसलिए कर्ज़ा उठा के एक लोग पैसा आगे देते हैं, लोन वगैरह जो भी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 14.42% है। प्राइस टू बुक है 0.45। नेट सेल्स में देखिए बढ़त दिख रही है, 3,250 करोड़ की, और नेट सेल्स में भी 313 करोड़ की ज़बरदस्त बढ़त है दिसंबर 2018 के रिजल्ट्स में, क्वार्टरली सॉरी। और रिटर्न हम वेरी सॉरी, देखिए 10 सालों में अभी जो रिटर्न इतना गिरने के बावजूद 475% दे रहा है, और 5 सालों में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कि इस पे सॉरी इतनी ज़बरदस्त मार पड़ी थी। तो यहाँ पे 28% है, और 4 साल में -48%, 3 साल में 70%, 2 साल में 56% की नेगेटिव, और 1 ईयर में 71% की नेगेटिव। और जिन्होंने जनवरी में लगाया था 42, ये भयानक न्यूज़ आई थी कोबरा पोस्ट वाली उस समय की, है ना, और 6 मंथ में 77% और 3 मंथ में 28% का नेगेटिव, और जिन्होंने 1 महीने पहले लिया हो 24% का उनको पॉजिटिव रिटर्न मिला, जो कि ज़बरदस्त है। और 1 वीक में 13% यहाँ पे ज़बरदस्त उछाल है, और आज के दिन में यहाँ पे 3% के फिर से नेगेटिव है ना। तो आज जो डेट है, मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो 7 मार्च है, और टाइम हो रहा है 1:20, और मार्केट आज खुला है 2019, 7 मार्च 2019, और आज का भाव है 144.05 रुपया। और हम देखते हैं, पहले कर्ज़ा भी देख लें। तो कर्ज़ा देखिए, मार्च 2017 में जो था 71,279 करोड़ का, और मार्च 2018 में 79,295 करोड़, क्योंकि ये कर्ज़ा इसमें रहता ही है, कर्ज़ा लेके ही कर्ज़ा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिसंबर 2017 से दिसंबर 2018 के जो रिजल्ट्स आए हैं, एनुअल इसमें रिजल्ट्स दिखा रहे हैं, तो ये 12% की नेट सेल्स में बढ़ा था, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट अदर इनकम में भी इसमें 10.11% की बढ़ा था, और नेट प्रॉफिट में इनको लॉस है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी इनको 2% करीब नेगेटिव में। अब देखिए, प्रमोटर्स की होल्डिंग इन्होंने एज इट इज़ रखी हुई है, जो सितंबर 2018 में थी और दिसंबर 2018 में भी सेम है, और एक भी शेयर गिरवी नहीं रखा है। म्यूचुअल फंड्स की स्कीम 8 स्कीम्स में पैसा लगाया हुआ, और FIIs की 171 22.25% डटे हुए हैं। देखिए, FIIs ने तो इंक्रीज अपनी होल्डिंग बढ़ाई हुई है, 2.82% की इन्होंने इंक्रीज़ की है। देखिए वो लोग कितने समझदार हैं, उनको मालूम है कि आने वाले समय में जो फाइनेंस कंपनीज है यही चलने वाली हैं, घर बन रहे हैं, सबको घर मिलेगा तो सब लोग लोन लेके तो घर लेंगे, किसके पास कैश पड़ा है इतना सारा। और म्यूचुअल फंड्स ने हालांकि घटाई है थोड़ी सी, तो म्यूचुअल फंड्स खैर, और इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर्स के उनकी उनकी भी थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ी है, जबकि इंडिविजुअल इन्वेस्टर 21.44% है। 1984 से कंपनी ये काम कर रही है, और इसका लास्ट डिविडेंड 2.5 रुपये का था पर शेयर 19 जून 2018 को, और हमने इंडस्ट्री में अपने 8वें नंबर पर है। दीवाना हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अलॉन्ग विद हाउसिंग फाइनेंस द कंपनी प्रोवाइड्स अ फ्री ट्रिपल प्रोटेक्शन प्लान
terms and conditions apply to secure the interest of its customer in case of the damages due to natural causes and personal accident. ये भी अच्छी बात है. DHFL in association with leading financial insurance in India offers unique home loan linked insurance plans that come at a premium. Such plans provide security to the family of the borrower in the unfortunate event of the death. ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब सिक्योर कर लेते हैं उनका इंश्योरेंस पहले ही कर लेते हैं जो इनके साथ हाउसिंग फाइनेंस का लोन लेता है. दैट इज़ वेरी गुड थिंग कि बाद में फैमिली को बर्डन ना पड़े. और यहाँ पे हम देखते हैं इसका EPS, चलिए हम BPS आगे देख लेंगे. इंडस्ट्री पी इसका 20 का है और डिलीवरेबल है 16% के करीब. बाकी हम देख ही चुके हैं सारी चीज़ें. अब यहाँ पे जो अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई है जिसमें इनको जो है 17% की एक ही दिन में उछाल आप है ना. DHFL zoom 17% आफ्टर रिपोर्ट पॉइंट्स टू नो कनेक्शन विद शेल कंपनीज नेम्ड इन कोबरा पोस्ट. देर इज़ नो एविडेंस ऑफ DHFL फॉर्मिंग शेल कंपनीज टू डाइवर्ट फंड्स. मतलब कोई भी सबूत नहीं मिला है कि इन्होंने अपने कंपनी के जो फंड्स हैं उन्होंने कहीं किसी को दिया है या डाइवर्ट किया. प्रमोटर्स हाइडिंग शेयर होल्डिंग इन एनी कंपनीज एंड इनसाइडर ट्रेडिंग, या प्रमोटर्स अपने छुपा रहे हैं शेयर होल्डिंग किसी कंपनी में या लगा रहे हैं इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला. सेड टू अ रिपोर्ट टू बाई चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम द OTTP ओसवाल एंड एसोसिएट्स. तो ये न्यूज़ आने के बाद जो है शेयर बहुत अच्छी जंप मारा था. और ये इसका हमने लो नहीं देखा कितना 97 तक. ये एक सेकेंड, ये देखिए इसका जो 52 वीक लो बनाया था इसने 96 और 700 से 691 करीब इसका हाई था साल का. तो 97 अभी कुछ दिन पहले बनाया जब कोबरा पोस्ट की रिपोर्ट आई थी, तो बीच बीच में एक तो एनबीएफसी कंपनीज जो हैं ऑलरेडी सभी पे दबाव बना हुआ है, और उस पर भी इस पर DHFL पे इतनी बुरी न्यूज़ आई थी जिससे कि ये शेयर बहुत ही टूट गया था. तो अब जो है इसके लिए अच्छी खबर आई है, उसको क्लीन चिट एक तरीके से कह सकते हैं कि मिल गई है. और हालांकि बड़ी कंपनी थी, मेरा शुरू से ऐसा मानना था कि अगर मैनेजमेंट कोई दिक्कत होती है तो कुछ समय के लिए होती है. जब चेंज हो जाता है मैनेजमेंट या फिर अगर कोई उन पर इंक्वायरी हुई नहीं कुछ मिला तो फिर वो फिर से अपने पुराने फॉर्म में आ जाता है. तो देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर दिखा रहा है 78% की बाई के रिकमेंडेशंस हैं. और बाकी हम यहाँ पर देख लिए हैं इसका EPS कितना है. करंट EPS है 2018 में 36.15 का है ना. तो अब इस पे हम क्या चाहेंगे भाई, हम तो ये कहेंगे कि अगर आपको लेना ही है NBFC के किसी स्टॉक में तो इसको भी कंसीडर किया जा सकता है. देखिए मैंने मन्नापुरम फाइनेंस को भी रेकमेंड किया हुआ है, और दीवान हाउसिंग फाइनेंस में भी मैं बुलिश हूँ लेकिन लॉन्ग टर्म पर्पज़ से, क्योंकि अब देख रहे हैं जिन्होंने एक साल पहले 600 में लिया रहा होगा उन्होंने सोचा होगा कि बजाज फाइनेंस बन जाएगा, और 600 वालों का अगर 100 रुपये तक आ गया है तो हालत ख़राब हो गई होगी बेचारे की. लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, अगर वो बने हुए हैं अभी भी वो बहुत सारी क्वांटिटी रही होंगी तो या तो उनको एवरेज अगर किया है तो अच्छी बात है, एवरेज करके भी निकल सकते थे. लेकिन अगर उनका पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि भाई 3 साल 5 साल 10 साल तो कोई दिक्कत नहीं है. मुझे लगता है कि फिर से बाउंस बैक करेगा स्टॉक, और आने वाले समय में क्योंकि जो इंडिया की ग्रोथ है वो तो अभी पिछले 50-60 साल में जो स्पीड में चल रही थी वो तो ठीक ही है. आने वाले समय में जब हमारे हाथ में टेक्नोलॉजी आ गई है, हम लोग पूरा वर्ल्ड जुड़ गए हैं एक दूसरे से, डिजिटल हो गया है, तो ऐसे में ग्रोथ और स्पीड में होगी. तो स्पीड में होगी तो यही कंपनी नहीं, जितनी भी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, जितने अच्छे अच्छे सेक्टर्स हैं, चाहे ऑटो सेक्टर्स हो, चाहे बैटरी सेक्टर्स हो, चाहे फाइनेंस सेक्टर्स हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर्स हो, चाहे FMCGs हो, सब में ज़बरदस्त उछाल आएगा और खूब कंपनियाँ भागेंगी. हाँ, लेकिन हर सेक्टर्स में अच्छे स्टॉक्स नहीं होते. कंपनी के फंडामेंटल्स देख के, कंपनी के बारे में जान के, उनका मैनेजमेंट देख के तभी इन्वेस्ट करना है, इस बात का ध्यान रखना है हमें. तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा. और हाँ, आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.